please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पहले बात करते हैं भारती इंफ्राटेल पर. ये बताइए नितिन जी, इसमें डेटा क्या आपको सजेस्ट कर रहा है? अब एग्जिट के नोटिसेज मिलने शुरू हो गए हैं ऐसी जगह पर जहां पर आइडिया और वोडाफोन दोनों के टावर्स थे, जो को टावर्स थे वो अब ये लोग छोड़ देंगे, और इससे करीब करीब माना जा रहा है 780 करोड़ रुपए का नुकसान भारती इंफ्राटेल को होगा. क्या सपोर्ट के आसपास तो कहीं नहीं है ये शेयर? शॉर्ट करने का आइडिया आप ले सकते हैं या अवॉइड करेंगे स्टॉक को? देखिए, वीकनेस अभी इसमें और आनी चाहिए. भारती इंफ्राटेल में कल काफी अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है और रोलओवर्स भी इस बार शॉर्ट साइड के हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि इसके टारगेट आपको 250 रुपए तक भी बन सकते हैं. 280 पे बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, वही एक स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए. अगर ओपनिंग पे आपको कल की क्लोजिंग प्राइस भी मिलती है तो अच्छा शॉर्ट ट्रेड होगा. 280 का स्टॉप लॉस और करीब 255-260 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा. ओके, 255-260 के शॉर्ट टर्म टारगेट के साथ मंदी की राय. संदीप जैन, आप कैसे देखते हैं इसको, किस हद तक ये प्राइस इन है और कितनी और गिरावट यहाँ से आपके लिहाज से आनी चाहिए इंक्रीमेंटली? भारती इंफ्राटेल की बात करें जी, प्रदीप जी. जी जी, या देखिए, मुझे संभाव अब इन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा दमखम लगता नहीं है. जिस तरीके का एक बेस बना था कि अच्छे रेंटल इनकम और अच्छे एसेट्स बना रहे हैं, टावर्स की वैल्यूएशंस, वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुकी है. हालांकि बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका, तो मैं अगर शॉर्टिंग की राय है तो वो मैं नहीं जाऊंगा उसके साथ. थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि वेट करना चाहिए. अब जिन्होंने शॉर्ट कर रखा उन्होंने अच्छा पैसा बनाया ही है, बट फिर भी मेरी राय यही रहेगी कि इन स्टॉक्स में फंडामेंटली अब बहुत ज़्यादा मुझे दमखम नहीं लगता है. क्योंकि देखिए, दूसरी जो कंपनीज़ है, जो इनफैक्ट अगर रिलायंस के जियो की बात करें या आइडिया वोडाफोन, इन लोगों के जो खुद के एसेट्स है कैप्टिव जो यूज़ करेंगे ये लोग, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैक्शन कम होगा. बट ओवरऑल आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दीज स्टॉक्स. और अगर टेलीकॉम पे दाव ही लगाना है तो मैं वापस से रिलायंस जियो पे ही एम्फेसाइज करूंगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही लेके चले, ज़्यादा बेहतर होगा. बिल्कुल, तो जो बात कह रहे हैं संदीप जैन साहब वो ये है कि पिछले साल भर में ये स्टॉक आधा हो चुका है और ये इन सारी चीज़ों की वजह से ही आधा हुआ है. तो बाजार को ये सारी जानकारी थी, ऐसे में अब यहाँ पर इंक्रीमेंटली और कितनी गिरावट आएगी अगर आप मंदी कर रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा जोखिम हो सकता है. फिलहाल बाजार में देखना होगा कल की गिरावट के बाद आज और किस लेवल पर शुरुआत होती है और क्या मूव आते हैं. लेकिन